हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जितने भी चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री में, सारे चैप्टर्स के जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। इन रूल्स के बाद 95% जो प्रॉब्लम होती है इक्वेशंस की, रिएक्शंस की, वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए समझते हैं ये रूल्स क्या होते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, जब भी आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। जब भी आपका मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। जब भी आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा अमोनिया। जब भी आपका मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी आपका आयरन रिएक्शन करेगा स्टीम से, स्टीम का मतलब होता है वाटर, बट आपका किसमें? स्टीम के फॉर्म में, यानी बहुत ही गर्म पानी यानी भाप। जब भी आपका आयरन रिएक्शन करेगा स्टीम से तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड और प्लस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। जब भी आपका मीथेन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, मीथेन गैस होती है, जब भी मीथेन गैस यानी कि जो मार्स गैस है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? वो बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हमेशा फॉर्म होने वाला होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब भी आपका मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट यानी कि मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी आपका एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी आपका मेटल एल्कली से रिएक्शन करेगा, एल्कली मतलब कि ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, तो जब भी कोई मेटल आपका एल्कली से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वो भी क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब भी आपका मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करने वाला होगा तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये तीन सारी चीजें रिलीज करने वाला होगा। क्या क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा प्लस CO2। ये तीन सारी चीजें निकलेंगी यहां से, ठीक। सॉल्ट बनेगा यहां से यानी मेटेलिक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लिख लेते हैं CO2 और प्लस वाटर यानी कि H2O। इतनी चीजें निकलने वाली होंगी पक्का। फिर उसके बाद बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये भी आपका सेम वही बनाएगा, सॉल्ट CO2 प्लस H2O। जब भी आपका मेटल ऑक्साइड एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड एसिड रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा बेस से तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी आपका सेम बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो सारे कंप्लीट रिएक्शंस हो चुकी हैं, आपने देख लिया, इतने सारे रूल्स हैं जो कि हम लोगों ने सीख लिया है। अब इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो हमने देखिए सारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशंस बना रखी हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप मैग्नीशियम यानी कि मेटल है आपका, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड यानी कि MgO बनाएगा। बैलेंसिंग हमने नहीं करी है, बैलेंसिंग आपको कर लीजिएगा, अगर बैलेंसिंग में दिक्कत होती तब आप हमें बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है आपका, नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया। मेटल आपका वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या बना रहा? मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि आपका मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? और साथ में हाइड्रोजन बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपका आयरन स्टीम सिलेक्शन करता है तो बनाता है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो आपका आयरन है H2O से यानी स्टीम सिलेक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Fe3O4 यानी इसको बोलते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड। मीथेन जब भी आपको ऑक्सीजन से करता है, मतलब CH4 आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है, O2 सिलेक्शन करेगा तो बनाएगा CO2 प्लस H2O। यहाँ पर जिंक यानी मेटल को हमने ले लिया, कोई भी मेटल ले सकते हैं हम, यहाँ पर हमने जिंक ले लिया, आप करेंगे सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम कोई भी मेटल ले सकते हैं। जब भी एसिड सिलेक्शन करेगा तो आपको बनाएगा जिंक क्लोराइड और यहाँ पर हाइड्रोजन। जैसी मेटल होगी वैसे ही आपका सॉल्ट बनने वाला होगा, ठीक है। एसिड बेस सिलेक्शन करेगा यानी HCl एक एसिड है और ये बेस है, सिलेक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस H2O यानी सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर देखें मेटल एल्कली, एल्कली मैंने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेम सेम लिया, क्योंकि ये क्या वाटर में सॉल्युबल होता है तो बेस भी है ये और एल्कली भी है ये। मेटल हमने फिर से जिंक ले लिया है, जब इसको रिएक्शन करते हैं इस तरह, मतलब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि बेस रिएक्शन करते हैं तो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यानी कैसा सॉल्ट है ये, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है सोडियम जिंकेट, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। ये है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोडियम कार्बोनेट और HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl यानी सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। यहाँ पर देख रहे हैं आप सेम ये दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर बन रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मला ये होता है, मेटल बाइकार्बोनेट, आप कोई और बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, यानी इतने रूल्स से आप बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं। अब इसके से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? फिर से वही मैंने कहा था सेम सॉल्ट CO2 प्लस H2O, ठीक है। उसके बाद मेटल ऑक्साइड आपका रिएक्शन करेगा HCl से बनाएगा MgCl2 प्लस H2O। देखिए लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपके क्या होते हैं? लाइक CO2 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड हैं। जब ये बेस रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट आपका क्या है? CaCO3, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? लाइम स्टोन। इसका ये फॉर्मला किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्लेक्ड लाइम है। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद स्लेक्ड लाइम, तो आप ध्यान रखिएगा ये यही रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप देख रहे हैं कितनी सारी और रिएक्शंस बना सकते हैं बच्चों।
तो बस इतनी ही रिएक्शन जाने के बाद आपका 95% रिएक्शन जो है पूरी पूरी कवर हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी और इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है बार बार, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू बच्चों।